गिद्ध एक पक्षी होता है। एक बार गिद्धों का एक समूह था जिसमें तकरीबन 200 से 250 गिद्ध थे। ऊंची उड़ान उड़ते हुए आसमान से उन्होंने देखा कि एक जगह एक टापू है। उस टापू पे सब कुछ हरा भरा है, उनके खाने के लिए प्रॉपर खाना है, उनके पीने के लिए पानी है, सांप केंचुए मेंढक मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उनको बिना किसी मेहनत के उनको वो सारी चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं जो उनको डेली नीड के लिए चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया कि हम इस टापू पे रहेंगे, और वो उस टापू पे रुक गए। कुछ दिनों के बाद उनमें से एक जो समझदार गिद्ध था, थोड़ा बुजुर्ग गिद्ध, वो बोला कि हमें इस टापू पे और ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। हम यहाँ पर रहने के इतने आदि हो चुके हैं, हम फ्री की चीज़ों के, हम बिना किसी मेहनत से मिली हुई चीज़ों के इतने आदि हो चुके हैं कि हम उड़ना तक भूल रहे हैं। तो उन जो बाकी गिद्ध थे, जो जवान गिद्ध थे, उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनी और हंस के कहा कि तुम बुढ़ापे में सठिया गए हो, तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, हम तो यहीं पर रहेंगे। उन्होंने ऐसा फैसला किया तो वो गिद्ध, जो बूढ़ा गिद्ध था, उड़ के अपने जहाँ से वो आए थे वो वापस चला गया। तो जो बूढ़ा गिद्ध था, कुछ महीनों बाद उसके दिमाग में आया कि एक बार जाके देखा जाए, अपने भाइयों से मिला जाए कि वो कैसे रह रहे हैं वहाँ पर। तो जैसे ही वो उड़ते उड़ते उस टापू की ओर पहुँचा तो वो देखता है कि चारों तरफ मरे गिद्ध पड़े हैं, कोई घायल हैं, किसी को खा रखा है, किसी से कोई लहू लुहान पड़ा है। तो उनमें से एक जो गिद्ध तड़प रहा था, उससे उस बुजुर्ग गिद्ध ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम इतने ज़्यादा गंदी हालत में हो। तो उस तड़पते हुए गिद्ध ने बोला कि यहाँ पर एक दिन एक जहाज से किसी ने 4 शेर छोड़ दिए, और कुछ दिनों तक तो शेरों को लगा कि ये गिद्ध हैं, हम इनका शिकार करेंगे तो ये उड़ जाएंगे। बट कुछ दिनों बाद उनको ये धीरे धीरे पता लगने लगा कि हम अपनी उड़ने की शक्ति भी खो चुके हैं। इससे क्या हुआ, इससे उन शेरों ने उन गिद्धों को मारना स्टार्ट कर दिया और वो सारे के सारे मर गए, और वो एक बूढ़ा गिद्ध जिसने समझदारी दिखाई वो जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही मोरल है कि जो भी लोग अपने कंफर्ट मोड में चले जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ हम सुबह यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे और हम इसको ही डेली रूटीन मान लेते हैं, तो जो भी बंदा, जो भी इंसान या जो भी चीज़ अपने कंफर्ट मोड में गई है ना, कंफर्ट जोन में गई है, उसकी कभी आगे तरक्की नहीं हुई है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है, जहाँ भी हो आप अपने कंफर्ट मोड से बाहर निकलो, क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो, तुम वहाँ जहाँ पर पहुँचे हो ना, वहाँ रुकने के लिए नहीं पहुँचे, वहाँ से चलने के लिए पहुँचे हो। थैंक यू। और ये आप कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।